ताज नगरी आगरा में पुलिस के इकबाल को चुनौती देते हुए शातिर चोरों ने जिले की सबसे सेफ कॉलोनी पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के घर के ताले चटका कर नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। तीन पुलिसकर्मियों के घरों के ताले तोड़े गए। तीनों पुलिसकर्मी रात्रि की ड्यूटी पर अपने अपने थानों में तैनात थे। आपको बता दें कि ताज नगरी आगरा में पिछले दो महीने में पुलिस लाइन के अंदर बेखौफ चोरों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। गत रात्रि को ड्यूटी पर गए पुलिसकर्मियों के घरों के ताले काट चोर हजारों रुपए की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। जब पुलिसकर्मी से अपने अपने घरों में लौटे तो उन्होंने घर के सामान को अस्त व्यस्त पाया और इसकी सूचना संबंधित थाने को दी। फिलहाल पुलिस की नाक के नीचे से पुलिसकर्मियों के घर पर चोरी हो जाना चोरों द्वारा पुलिस के इकबाल को सीधे चुनौती माना जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा में सबसे ज्यादा सुरक्षित कही जाने वाली कॉलोनी यानी पुलिस लाइन में चोरों ने दो महीने के अंदर दूसरी बार चोरी करने की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, चुनौती दी है। हम आपको बता दें कि दो महीने के अंतराल में ये दूसरी बार चोरी है जब नाइट ड्यूटी पे गए हुए पुलिसकर्मियों के घरों के ताले काटे गए और उनके सामान को लेकर शातिर चोर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल इस मामले में आगरा पुलिस अब सजग दिखाई दे रही है। आगरा पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द ही चोरों की चोरी की इस बड़ी वारदात की खुलासे के संकेत दिए हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।